सो फाइनली गाइस एयरटेल का एक्सट्रीम फाइबर कनेक्शन जो कि है 599 का प्लान, इसके ऊपर काफ़ी दिनों से मैं आप लोगों के साथ बोल रहा था कि मैं इस घर पर जो है इस प्लान को लगवाऊंगा, कौन कौन से चैनल्स है, कौन कौन सी OTT ऐप है, क्या स्पीड मिलती है, ये प्लान आप लोगों के लिए वर्थफुल है या फिर नहीं है, कम्प्लीटली मैंने आपको बताना था, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों मैंने इस प्लान को अपने घर पर इंस्टॉल कराया, पहले बुक कराया, बुक के ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी, आप लोगों को बताया भी था दोस्तों, ठीक है। एंड मेरा घर पर इंस्टॉल हो चुका है, वो भी मैंने वीडियो वैसे डाल दी है, बट वो जल्दबाजी में मैंने थोड़ी सी वीडियो डाली थी ताकि आप लोगों को थोड़ा सा हिंट मिल जाए। बाकी दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, ये है सेटअप बॉक्स जो कि आपको इस प्लान के अंदर एक आपको राउटर मिलता है जो कि वाईफाई राउटर है, ड्यूल बैंड है दोस्तों, ठीक है, एयरटेल ब्लैक के साथ जो आपको बेसिकली दिया जाता है, और जो कॉम्बो प्लान बेसिकली एयरटेल के अंदर आता है ना वो एयरटेल ब्लैक में ही काउंट हो जाता है एक तरह से दोस्तों, ठीक है। अब मैं आपको फुल डिटेल दिखाऊंगा। अब ये रहा दोस्तों सेटअप बॉक्स का रिमोट, छुटकू सा रिमोट है, बहुत ही प्यारा सा अच्छा सा रिमोट है, ठीक है। और ये है हमारा सेटअप बॉक्स जो कि पहले लुक कुछ और थी, अब इसकी टोटल जो लुक है वो चेंज हो चुकी है भाई, ठीक है, आगे पीछे से देख लो, ठीक है, टोटल ही चेंज हो चुका है। एंड ये इसका रहा बॉक्स दोस्तों, ठीक है। इस बॉक्स के अंदर आपको जो है मतलब HDMI केबल मिल जाती है, रिमोट मिल जाता है, सेल मिल जाता है, और ये वाला सेटअप बॉक्स मिल जाता है। 4K को सपोर्ट करता है, डॉल्बी एटमॉस्फेयर का सपोर्ट है दोस्तों, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको गूगल प्ले का ऑप्शन मिल जाता है, गूगल असिस्टेंट भी है भाई, ठीक है। एंड डॉल्बी एटमॉस्फेयर हो गया, 4K सपोर्ट, आपको 4K सपोर्ट मिलेगा। देन आपको यहाँ पे जो है ब्लूटूथ का भी सेक्शन मिल जाता है, और क्रोम कास्ट बिल्ड भी है दोस्तों इसके अंदर, काफ़ी अच्छा है ये सेटअप बॉक्स दोस्तों, ठीक है। और बाकी यहाँ पे OTT ऐप के हिंट दे रखे हैं, कौन कौन सी OTT ऐप यहाँ पे आपको मिलने वाली हैं। तो ये तो बेसिक वाली हैं भाई, कुछ प्लान में मिलती हैं, कुछ प्लान नहीं मिलती हैं, बट मेन है इनका एक्सट्रीम प्ले भाई एयरटेल का, ठीक है। तो एयरटेल एक्सट्रीम प्ले के अंदर ही आपको जितनी भी ये OTT ऐप प्रोवाइड करते हैं ना, वो सारी आपको उसी बंडल के अंदर देखने को मिलने वाली है। कौन कौन सी है मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाऊंगा, ठीक है, और कौन कौन से चैनल्स हैं वो भी आपको हिंट दे दूंगा, और डेडिकेटली एक एक्सेल की शीट भी बना के बता दूंगा आप लोगों को, और उसमें आप देख पाएंगे कि कौन कौन से एक्चुअल चैनल मिलते हैं, क्या मतलब आपके लिए वर्थफुल है या फिर नहीं है, एंड टोटल कॉस्ट कितनी आई है मेरे इस प्लान के अकॉर्डिंग। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, इसको करते हैं साइड में। अब गाइस सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे आपको इसको बुक कैसे करना है। बुक करना बहुत ही आसान है दोस्तों, किसी भी मोबाइल से या फिर लैपटॉप या फिर किसी भी डेस्कटॉप पे अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन करो, किसी भी ब्राउजर को ओपन करो, वहाँ पर नॉर्मली अगर आप लिखोगे ना एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर प्लान, तो देखो नॉर्मल सी बात में आपको सीधे प्लान पूरे दिखाएगा ही नहीं, थोड़ा यहाँ पे एयरटेल का मेरे को ये सिस्टम ना बेकार सा लगता है भाई, ठीक है। प्रॉपर मतलब कि अपनी चीज़ की ना प्रॉपर इन्होंने एक्सप्लोरिंग नहीं कर रखी है एक तरह से भाई, ठीक है। मतलब नॉर्मली कस्टमर जाएगा वहाँ पे लिखा गया एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर प्लान डिटेल्स, कुछ नहीं मिलेगा भाई, मतलब उलझा के रख देगा। अगर प्लान पे जाओगे तब भी आपको सिर्फ प्लान ही दिखाएगा, कहेगा पहले अपनी डिटेल डालो। तो नॉर्मली टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपको जो है इस वाली वेबसाइट पे आ जाना, डायरेक्ट लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यहाँ से टोटल प्लान आपको पता चल जाएंगे। उसके बाद दोस्तों आपको जब प्लान आप चूज़ कर लेते हो, आपको इस प्लान को बुक करना है। बुक करने के लिए नॉर्मली आपको जो है इस वाले ऑप्शन पर जाना है, यहाँ पर आपको नाम नंबर एंड एड्रेस दे देना भाई, ठीक है। तो एड्रेस देने के बाद प्रॉपर आपका जो ये क्वेरी है आपकी बुक हो जाएगी, एंड एक घंटे बाद, दो घंटे बाद या फिर नेक्स्ट डे दोस्तों आपको एयरटेल एग्जीक्यूटिव की तरफ से कॉल आ जाएगी, वो आपसे क्वेरी करेंगे, पूछेंगे अगर आप एग्री कर रहे हैं, हाँ सेम प्लान आपको मिल रहा है जो आपने यहाँ पर चूज़ किया है, तो वो दोस्तों आप लोगों के घर पर आएंगे या फिर जहाँ पे भी आप लगवाना चाहते हैं, आप लोगों से डॉक्यूमेंट लेंगे, आधार कार्ड, आपकी सेल्फी होगी, अपलोड हो जाएंगे डॉक्यूमेंट, एंड आपको एक लिंक भेजेंगे पेमेंट के लिए। तो पेमेंट आप कैसे भी कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर UPI या फिर बारकोड स्कैन, जैसे भी आप पेमेंट करना चाहते हैं आपको टोटल पेमेंट कर देनी है। अब यहाँ पे टोटल पेमेंट है कितनी, तो क्वेश्चन ये आता कि टोटल पेमेंट है कितनी। हमारा जो प्लान है दोस्तों वो है 599 का, इसी के ऊपर हम डेडिकेट वीडियो बना रहे हैं। अब 599 के प्लान के अंदर दोस्तों हमें जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो है अप टू 30 MBPS की स्पीड है दोस्तों, अनलिमिटेड डाटा है, आपको सेटअप बॉक्स मिल जाता है जिसके अंदर आपको 350 TV चैनल्स मिल जाएंगे जिसके अंदर HD चैनल इंक्लूडेड हैं दोस्तों। एंड यहाँ पे दोस्तों आपको जो है एक टेलीफोन कनेक्शंस का भी ऑप्शन मिलता है, बट वो आपको बॉक्स लेना पड़ेगा, बट आपको नंबर ये प्रोवाइड कर देंगे। साथ में दोस्तों डाटा मैंने आपको बताया कि अनलिमिटेड है, 20+ OTT ऐप मिल जाती हैं, और ये जो OTT ऐप हैं ये इसके अंदर दोस्तों आपको Disney+ Hotstar तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में दोस्तों जो 20+ OTT ऐप है वो आपको एयरटेल एक्सट्रीम प्ले की एक खुद की इनकी मतलब कि OTT बंडल है उसके अंदर देखने को मिल जाता है। तो यानी कि आपको एयरटेल एक्सट्रीम जो प्ले है उसको सब्सक्राइब करना पड़ता है, वो आपको फ्री मिलेगा, उसको सब्सक्राइब करना है Gmail ID से एंड फ़ोन नंबर से जो भी आपका एयरटेल के अंदर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है। अब उसके बाद दोस्तों एक्सट्रीम प्ले के अंदर जितने भी वो OTT ऐप आपको दिए जाएंगे उनको आप 1 by 1 यूज़ कर सकते हो, वो मैं आपको यहाँ पर लाइव दिखाऊँगा दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों जो है चैनल्स कौन कौन से हो गए, कौन कौन से OTT ऐप हैं, ये तो मैं आपको यहाँ पर बता ही दूंगा। अब बात करते हैं कि टोटल खर्चा आता कितना है 599 के प्लान को लेकर। अब दोस्तों 599 का प्लान है बेसिकली, यहाँ पे कॉम्बो प्लान अगर आप लेते हैं तो एयरटेल वाले कहता है कि हम आपसे सिर्फ 3300 रुपया लेंगे, जिसके अंदर दोस्तों आपको 5 से 5.5 महीने का ये प्लान देखने को मिल जाएगा।
3300 रुपये के अंदर कोई भी इंस्टॉलेशन चार्जेस इन्होंने मतलब कि इंक्लूड नहीं करे हैं, ना ही ये कोई इंस्टॉलेशन चार्जेस ले रहे हैं, ना ही कोई वायर का चार्जेस ले रहे हैं, किसी का भी चार्जेस नहीं ले रहे हैं। बट जहाँ तक मेरी बात हुई है, उन्होंने ये कहा था कि 100 अगर मीटर तक आपका कोई डिस्टेंस है इनके डीपी से या फिर इनका जो भी फैट बॉक्स लगा होता है वहाँ से आपके घर पर या फिर ऑफिस में 100 मीटर का डिस्टेंस है तो ये आपको कनेक्शन देते हैं। अगर 100 मीटर से ज़्यादा होता ना तो ये कनेक्शन देने में ना थोड़ी सी अनगानी करते हैं भाई, ठीक है ना, थोड़ा सा मतलब अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ पे दोस्तों आप एयरटेल का एयर फाइबर भी ले सकते हो क्योंकि वहाँ पे वायर का टेंशन ही नहीं है, ठीक है। बट वही ना कि वहाँ पे लिमिटेड आपको डाटा मिलता है, स्पीड भी मतलब उतनी अच्छी नहीं मिलेगी भाई, पर फिर भी जियो के मुकाबले एयरटेल की स्पीड अच्छी होती है, स्टेबल होती है भाई, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों आपने बुक कर लिया, टोटल खर्चा 3300 रुपये आ गया 5.5 महीने का। उसके बाद 5 महीने बाद आप जो है मंथली रिचार्ज करा सकते हैं। एंड वन मोर थिंग दोस्तों, यहाँ पर अगर आप सेटअप बॉक्स नहीं लेना चाहते तो सेटअप बॉक्स बाद में आप हटा भी सकते हैं। तो आपका जैसे प्लान है 599 का और बिल आता है 707 रुपये का विद GST, तो दोस्तों आपका जो प्लान है वो हो जाएगा 398 प्लस GST। तो अगर आप सेटअप बॉक्स हटा दोगे ना तो 398 प्लस GST आपको पे करना है। उसके बाद आप राउटर राउटर यूज़ कर सकते हो, एंड कॉलिंग के लिए आपको एक लैंडलाइन बॉक्स ले लेना है और आपकी कॉलिंग भी भाई उससे कनेक्ट होके अनलिमिटेड कॉलिंग भी आप कर सकते हो। अब दोस्तों आपकी जब डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो जाती है, आप फुल पेमेंट इनको एडवांस कर देते हो, उसके बाद दोस्तों जो है नेक्स्ट डे या फिर 2 दिन 3 दिन बाद, डिपेंड करता है आपके एरिया के ऊपर, एयरटेल के जो इंजीनियर्स हैं वो शेड्यूल किए जाते हैं, ठीक है, और आपके घर पर आके उसको वो पूरा सेटअप जो है सेटअप करते हैं। सबसे पहले वो छत पर छतरी लगाते हैं, ठीक है, और उस छतरी को प्रॉपर सेटअप करने के बाद, उसकी सिग्नल्स वगैरह सेट करने के बाद दोस्तों, ठीक है, एक केबल डाल लेते हैं वो नीचे जो कि आपके सेटअप बॉक्स के अंदर आती है, और वो सेटअप बॉक्स के अंदर जो है यहाँ पे आके जो है कनेक्ट हो जाती है दोस्तों, ठीक है। अब इसको आप चाहे कहीं पर भी भाई यूज़ कर लो, कहीं पर भी रख लो, नॉर्मल टीवी है उसको स्मार्ट बना देगा ये, ठीक है। और चाहे आप एक्स्ट्रा वायर भी ले सकते हो, थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा इधर उधर सेट करना हो, तो मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा वायर लिया है क्योंकि मेरा बड़ा LCD खराब हो गया था, छोटे LCD पर मैंने सेटअप किया हो दोस्तों। उसके बाद दोस्तों घर के अंदर जो भी आपका ये वाईफाई राउटर प्रोवाइड करते हैं, इस राउटर की इंस्टॉलेशन की जाती है, यानी कि ऊपर से एक आपकी DP से ना एक वायर आती है, वो वायर आपके घर पर आएगी दोस्तों, ठीक है। और उस वायर के बाद जो है दोस्तों यहाँ पे स्प्लाइसिंग वगैरह की जाती है। अब मेरे केस के अंदर क्या हुआ था कि मेरे पास ऑलरेडी एयरटेल का पहले वायर डला हुआ था, मैंने उसी वायर के ऊपर इसको चलवा दिया, मतलब बार बार उनको गिट्टी वगैरह लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, वायर डालने की जरूरत नहीं पड़ी। डब्बी भी लगी हुई थी, डब्बी के अंदर स्प्लाइसिंग वगैरह हो रखी थी, सिर्फ डब्बी से एक पैच कोड होता है इनका, ठीक है, येलो कलर का, उस पैच कोड से उन्होंने राउटर के अंदर जो है कनेक्शन दे दिया और राउटर को एक्टिवेट कर दिया और प्लान को पीछे से एक्टिवेट करा दिया। तो मेरी इंस्टॉलेशन में हार्डली दोस्तों ना 1 घंटा भी नहीं लगा था। और अगर आप पूरा सेटअप नया कराते हैं, इनकी आपकी केबल भी डलेगी, छतरी भी लगेगी भाई, ठीक है, इसको कॉन्फ़िगर भी करेंगे, तो आपका 2 से 2.5 घंटा 3 घंटा भी लग जाता है। अब मेरे केस के अंदर सिर्फ 1 घंटे के अंदर मेरा राउटर जो है एक्टिवेट हो गया था। एंड स्पीड भी उन्होंने मेरे को चेक कराई थी कि स्पीड देख लो आप कितनी आ रही है, तो भाई जो मैंने उनको भी चेक कराया कि स्पीड तो भाई 30 MB से आनी चाहिए, आ तो 400-500 MB रही है, क्या हो रहा है। तो वो कह रहे हैं कि सर ये हो सकता है कि अभी जैसे नया नया कनेक्शन है तो 1-2 दिन चले, उसके बाद थोड़ा अपने आप स्टेबल हो जाएगी, ठीक है, तो आप इन्जॉय करो। तो चलो यार, मैं क्या इन्जॉय करते हैं भाई, 500 MB की स्पीड आ रही है तो काफ़ी अच्छी बात है भाई, ठीक है, 30 MB की स्पीड मिलती है हमें, तो मेरे का था कि 35 से 40 आएगी, बट यहाँ पर भाई कुछ और ही कमाल हो रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों टोटल खर्चा कितना आ गया, कैसे बुक करना है, क्या क्या सामान मिलता है भाई, कौन कौन सी ऑलरेडी ऐप हैं, चैनल्स हैं, चलो अभी देख लेते हैं, ठीक है। बाकी डिटेल तो मैंने आपको बताई दी, अब मैं आपको TV सेटअप कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। TV को सेटअप करके चैनल्स देखते हैं कौन कौन से हैं, ठीक है, एंड कौन कौन सी OTT ऐप हैं, कैसे आप उनको देख सकते हैं दोस्तों, वो भी चेक कर लेते हैं। और एक्सेल की शीट आपको बाद में प्रोवाइड कर दूँ, डोंट वरी दोस्तों, ठीक है, क्योंकि अभी थोड़ा टाइम नहीं मिला था भाई पूरे चैनल्स को देखने का और एक एक्सेल शीट बनाने का, तो उसके लिए सॉरी भाई, ठीक है। जल्दी से भाई एक्सेल की शीट भी तैयार कर दूंगा एंड पूरे चैनल से बता दूंगा, बट यहाँ से भी आपको मोटा मोटा हिंट मिल ही जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो गाइस, मैंने जो है सेटअप बॉक्स को दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरी तरह से जो है सेटअप कर दिया भाई। अभी देखो मैं टेम्परेरी बेस पे कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे सेटअप बॉक्स रखा हुआ है और मैंने अपने जो कंप्यूटर की LCD है भाई उसी के साथ इसको कनेक्ट कर दिया है। तो अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पर जो है हमें क्या कुछ देखने को मिलता है, ठीक है। थोड़ा सा मैं सेट कर दिया मैंने ट्राईपोर्ड को। अब यहाँ पे दोस्तों ये हमारा रिमोट है एंड ये हमारा सेटअप बॉक्स है। अब यहाँ पे इस तरह से कुछ आपको जो है इंटरफेस नज़र आ जाएगा, ठीक है, आपको थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं इसको यहाँ से ऐसे कर देता हूँ दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले होम पेज आता है, होम पेज के बाद आपको TV चैनल्स मिलते हैं, मूवीज़ हैं, स्पोर्ट्स का सेक्शन है, ऐप स्टोर है दोस्तों, एंड माई स्टोर इनका अलग से मिल जाता है दोस्तों। अब यहाँ पे दोस्तों अगर आप TV चैनल्स देखना चाहते हैं तो आपको TV चैनल्स पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको जो है जितने भी TV चैनल्स ही आपको प्रोवाइड करते हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, एंड आप लिस्ट वाइज भी देख सकते हो, यहाँ पे कैटेगरी दे रखी है दोस्तों, ठीक है। तो
तो कैटेगरी के हिसाब से भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि स्पेशल्स के हो गए, HD चैनल्स हो गए, एंटरटेनमेंट चैनल्स हो गए, मूवीज़ होगी, स्पोर्ट्स के हो गए, न्यूज़ के चैनल्स मिल जाएंगे, किड्स के भी चैनल मिल जाएंगे भाई, ठीक है, म्यूज़िक भी मिल जाता है, इंफोटेनमेंट हो गया, इंटरनेशनल हो गया भाई, ठीक है, लाइफस्टाइल हो गया एंड डिवोशनल हो गया। तो इस टाइप की आपको यहाँ पे चैनल्स की कैटेगरी मिल जाती है। तो यहाँ पर अगर आप ऑल पे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे इस तरह से आपको एक लिस्ट मिलती है। इस लिस्ट को दोस्तों आप जो है यहाँ पर अलग से देख सकते हैं। यहाँ पर ऑल है, यहाँ पर दोस्तों आपको स्पेशल मिल जाता है, HD है, एंटरटेनमेंट है, जो हम साइड में देख रहे हैं। तो वन बाय वन हम यहाँ से भी देख सकते हैं ऑल पे क्लिक करके। तो हमें सपोज करो अब सिर्फ देखना है कि स्पेशल्स में कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे हम आ सकते हैं। तो यहाँ पे हम ये स्पेशल्स में देखने को मिल रहे हैं, कुछ जो स्पेशल्स चैनल्स होते हैं भाई, वो स्पेशल्स में भाई मतलब कि ऐसे चैनल्स भी हो सकते हैं जो आपके काम के ना हो। तो यहाँ पे नाम वगैरह आ रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो खासकर एयरटेल के ही हैं भाई, मतलब कि एयरटेल के स्पेशल चैनल्स होते हैं, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि हमारे लिए इतने काम के होंगे। HD में क्या कुछ दे रहे हैं भाई देख लेते हैं। तो HD चैनल्स में आप देख सकते हो भाई, स्टार प्लस HD मिल रहा है, एंड GTV HD मिल रहा है भाई, सेट सोनी का सेट HD मिल रहा है भाई, ठीक है, और स्टार भारत HD मिल रहा है, कलर HD में मिल रहा है भाई, TV i20 है, i20 लिख रहा है भाई, i20 एंड TV, ठीक है। तो मैं यार ज़्यादा देखता नहीं TV चैनल्स वगैरह, इसलिए मुझे नाम भी नहीं पता है। एंड यहाँ पे ये नंबर्स आ रहे हैं, सॉरी 120 के ना, एंड TV है ना, उसके बाद 127 सोनी सब TV HD, ये सारे HD चैनल्स आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इसके बाद आप यहाँ पे जी कैफे का HD मिल जाता है भाई, ठीक है। बट यहाँ पे एक चीज़ आप नोट करो, HD तो मिल रहे हैं बट साथ में ना कॉस्ट भी लिखी हुई है, ये आप देख सकते हो, 22 रुपीज़, 19 19 19, तो प्राइस भी लिखे हुए भाई, पैसे भी लिखे हुए। मतलब अब देखते हैं कि ये जो HD चैनल है ये लिखा ना स्टार स्पॉट प्लस, तो ये अभी प्ले हो रहा है या फिर पैसे मांग रहा है, मतलब सब्सक्रिप्शन मांग रहा है। तो चलिए एक बार मैं क्लिक कर लेता हूँ HD पे कोई चैनल्स में चला के। तो भाई चैनल्स भाई पैसे मांग रहा है, 22 रुपये मांग रहा है भाई, ठीक है। एक इसमें भी वही सिस्टम है ना जैसे पहले जियो के अंदर था भाई, ठीक है। अगर मैं बैक करने की कोशिश करूँ, एक टाइम मेरे को बैक जाना ना, तो मैं पिछले वाले मोड के अंदर जा नहीं पा रहा हूँ, देख सकते हो आप, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों ये भी मुझे ना बेकार चीज़ें लगती है, मुझे सीधा होम पे जाना पड़ेगा पहले, ठीक है। होम पे क्लिक करूँगा, उसके बाद दोबारा से मैं चैनल्स पे जाऊँगा भाई, ठीक है, जिस चैनल को मैं देख रहा था ऑल पे जाके। अब यहाँ पे हम जो है HD वाले के अंदर थे भाई, ठीक है। तो ये जितने भी पैसे वाले चैनल्स हैं ये तो भाई पैसे दे के ही आपको लेने पड़ेंगे, फ्री में ये नहीं दे रहे हैं भाई, ठीक है। तो भाई HD चैनल सारे के सारे यहाँ पर जो है पेड हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं सभी के आगे प्राइसेस आ रहे हैं भाई, ठीक है। तो चलो इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा भाई, प्रॉपर चेकिंग करके कौन कौन से प्ले होंगे कौन से नहीं प्ले होंगे भाई, ठीक है। अभी क्योंकि मैंने भी इसको एग्जैक्टली नहीं देखा है। तो होम पेज पर चलते हैं, अब देखते हैं हमें OTT कौन कौन से मिलती है और OTT को आपको कैसे यूज़ करना है। देखो होम पेज पर आप जाते हो ना, तो यहीं पे आपको जो ऑप्शन मिल जाते हैं वैसे तो, ठीक है, मैं आपको दिखा, जहाँ पे आप चैनल देख रहे थे ना ऊपर टॉप पे आप जाओगे तो होम के अंदर आपको जो है यहाँ पर देख सकते हैं ऐप के अंदर जो कि रिकमेंडेड ऐप्स आपके सामने आ रही हैं। तो ये वाली ऐप है जिनको आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको नेटफ्लिक्स नहीं मिलेगा, प्राइम वीडियो नहीं मिलेगा इस प्लान के अंदर आपको, आपको डिस्नी प्लस हॉटस्टार मिल जाता है जो कि इन्होंने मेंशन किया हुआ है, बट ये भी मुझे लगता है कि आपको बिल्कुल बेसिक वाला मिलेगा। और मैं इसको एक बार क्लिक करके देख लेता दोस्तों, मैंने इसमें साइन इन तो करने की कोशिश करी है बट यहाँ पे ना मुझे ये दिखा रहा है कि क्लेम फ्री ट्रायल वर्जन 7 डेज़ के लिए फ्री वाला ऑप्शन मेरे को दिखा रहा है। और मैंने इसको जो है अपने मोबाइल नंबर से दोस्तों यहाँ पर जो है मैं रजिस्टर्ड भी कर रखा है, तो मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ। ये देख सकते हैं मैंने इस नाम से प्रोफाइल बना रखी है और वो लॉगिन भी है, मोबाइल नंबर से सब्सक्राइब भी कर रखा है मैंने इसको, बट यहाँ पे ये क्लेम फ्री ट्रायल बता रहा है। अब ये तब पता लगेगा कि अगर हम कुछ कंटेंट वगैरह प्ले करके मैं देख लेता हूँ दोस्तों यहाँ पे। तो यहाँ पे कंटेंट है जैसे कि TV में चलते हैं, तो TV चैनल्स जो भी मतलब कि TV से रिलेटेड यहाँ पे कंटेंट होगा, कोई मूवी सीरीज़ या फिर कुछ भी, क्या वो प्ले हो पा रहा है, तो यहाँ पे सबका ना प्ले का ऑप्शन तो आ रहा है जैसे ना, ठीक है। तो मैं कुछ भी प्ले करके देख लेता हूँ कि डायरेक्ट हो रहा है उसके ऊपर कि नहीं हो रहा है, या फिर सब्सक्राइब टू वॉच आ रहा है भाई, ठीक है ना। तो इसको मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये कह रहा है कि डिस्नी प्लस हॉटस्टार को आपको अलग से सब्सक्राइब करना पड़ेगा, मे बी बाकी दोस्तों यहाँ पे लग जाएगा पता भी, ठीक है। तो वैसे तो देख सकते हैं यहाँ पे जो है प्लान के बारे में आ गया, तो यानी कि ये वाला कंटेंट नहीं चलने वाला। तो मैं एक स्टेप बैक चलता हूँ, अब यहाँ पे दूसरा कंटेंट कोई प्ले करके देख लेते हैं, ठीक है। ऐसा ना हो कि कोई डेडिकेट कंटेंट हो, तो जैसे मैं मूवी चला लेता हूँ कोई, और यहाँ पे कुछ कंटेंट ऐसे होता है जो भाई पेड भी होते हैं, हर ऐप के अंदर सब कुछ फ्री तो नहीं मिलता, आप सबको पता है। और देखो यार इंटरनेट कितना फास्ट है, फिर भी ना कितनी ज़्यादा बफरिंग्स ही हो रही है यहाँ पे, मतलब डिज्नी प्लस हॉटस्टार खुल रहा है ना तो कितना ज़्यादा लैग्स आ रहा है यार, ये तो आप नोट कर सकते हो ना चीज़। देखो कितनी देर में जो है यहाँ पर जो है ये चीज़ें हाईलाइट हुई हैं। अब ये जो मूवी है फ्रंट पे ही हिंदी में मूवी है देख लेते हैं, ये प्ले हो रही है, सब्सक्राइब टू वॉच आ रहा है भाई, तो मतलब कि आपको
सब्सक्राइब करके ही वॉच करना पड़ेगा। तो अगले में चलते हैं, यहाँ पे सब्सक्राइब टू वॉच आ रहा है भाई, ठीक है, मतलब मैक्सिमम सभी कंटेंट के अंदर सब्सक्राइब टू वॉच आ रहा है, और यहाँ पे इसके ऊपर भी सब्सक्राइब टू वॉच आ रहा भाई, ठीक है। तो यानी कि मैंने सब्सक्राइब किया हुआ भाई, फिर भी इसके अंदर मुझे ये चीज़ मिली नहीं है, तो वो मैं एयरटेल से एक बार बात कर लूँगा, ठीक है। यहाँ पर ट्रायल में दिखा रहा है भाई कि आप ट्रायल में हो, ठीक है। तो मतलब चलो मैं बात कर लूँगा इसके ऊपर और मैं आपको बता भी दूंगा इसके रिगार्डिंग। तो अभी हम चलते हैं अगली जो और दूसरी OTT ऐप है वो हमें कहाँ देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे ये वाला आपको नहीं मिलता है, डिज्नी प्लस हॉटस्टार अभी अनसब्सक्राइब एक तरह से 7 डेज़ का फ्री ट्रायल मिला है, और एयरटेल एक्सट्रीम प्ले के अंदर दोस्तों बाकी जितनी भी OTT ऐप आपको ये प्रोवाइड करते हैं ना भाई, वो यहाँ पर इस प्रकार से आपको दिखाई देने वाली हैं। चलिए, और ये आपको देखने को मिलेंगे एक्सप्लोर चैनल्स के अंदर। अगर आप यहाँ पे होम पेज पे होंगे ना, तो आपको एक्सप्लोर चैनल के अंदर आ जाना है। तो ये जितनी भी OTT ऐप हैं आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी, सोनी लीव मिल जाएगी, ये मिल जाएगा, चौपाल मिल जाएगा, ऑल्ट मिल जाएगा, FC कॉड मिल जाएगा भाई, ठीक है, तो नया ही ऐड हुआ है, और प्लेफ्लिक्स मिल जाएगा, स्टेज मिल जाएगा, हॉय चॉय मिल जाएगा। तो इतनी सारी OTT ऐप का कंटेंट आपको जो है इसी एक बंडल के अंदर देखने को मिल जाता है। बस मुझे ये चीज़ अच्छी लगी कि यहाँ पर मुझे अलग से ना किसी को सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। सन नेक्स्ट मेरे को देखना है सपोज करो, तो मुझे ना मतलब ये सन नेक्स्ट क्लिक करना है सिर्फ, तो सब्सक्राइब लिखा अब ऑलरेडी आ गया एज ए पार्ट ऑफ एक्सट्रीम प्रीमियम, सब्सक्राइब्ड है ऑलरेडी, ठीक है। तो ये जो कंटेंट है ना ये सारा प्ले होएगा भाई, ठीक है। उसके बाद मैं आपको छोटा सा कोई भी कंटेंट प्ले करके भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे वॉच नाउ का ऑप्शन आ गया, तो सीधा भाई वॉच कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, एंड अपनी मर्जी से भाई जो मर्जी देखो यहाँ पे। अब थोड़ा सा वीडियो लंबी हो गई है तो प्लीज़ यार सपोर्ट किया करो, वीडियो बनाने में टाइम बहुत लगता है। तो ये ऐप ना आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी, देखो इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो ये कंटेंट आपका प्ले हो जाएगा। अब एक्स्ट्रा बैग चलते हैं, अभी इसको इंस्टॉल करने का टाइम नहीं है भाई, ठीक है, फॉर्म पे चलते हैं। थोड़ा ये है कि बैक जाने में ना बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं यार, बहुत दिक्कत पड़ती है। अब यहाँ पे दोबारा से मैं इसके ऊपर गया, और मैं आपको जो है यहाँ पर मैंने सोनी लीव को चला के देखा हुआ, तो मैं सोनी लीव करके देख लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो सोनी लीव का भी सेम टू सेम आपको सब्सक्राइब हुआ मिलेगा कंटेंट, जैसे कि सपोज करो मेरे को ये प्ले करना है, तो ये देख सकते हैं प्ले एपिसोड आ रहा है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये प्ले हो जाएगा दोस्तों। देख सकते हैं यहाँ पे सक्सेसफुली जो है प्ले हो रहा है, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे कुछ भी आपको अलग से ना रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है भाई, सब कुछ प्ले हुआ मिलेगा आप लोगों को। आप ये भी करके देख लेते हैं, वॉच नाउ आ रहा है, तो मतलब आप देख सकते हैं भाई, ठीक है। और अब चलते हैं अगले वाला, यहाँ पे जैसे कि चौपाल है भाई, ठीक है, चौपाल के लिए भी मे बी आपको ऐप इंस्टॉल करनी पड़ सकती है प्ले स्टोर से, ठीक है, बट क्योंकि मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ तो मेरे को शायद नहीं पता है, कर लेते हैं प्ले इसको एक बार। देख सकते हैं ये तो डायरेक्टली आपका प्ले हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे स्किप इंट्रो कर देते हैं तो ये हो रहा है भाई प्ले, यहाँ पे चल रहा है भाई, ठीक है, इसको आप फास्ट फॉरवर्ड भी कर सकते हो, यहाँ से चल रहा है भाई, सारा कुछ चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे गाइज मैंने आप लोगों को चैनल्स भी मोस्टली दिखा दी हैं, ठीक है, कौन कौन सी OTT ऐप हमें जो है इस प्लान के अकॉर्डिंग मिलती है। अब जो डिस्नी प्लस होस्ट आ रहा है वो 7 डेज़ का ट्रायल दिखा रहा है, वो क्यों दिखा रहा है, हो सकता है कि मुझसे कुछ गलती हुई हो, तो मैं एक बार दोबारा प्रॉपर चेक कर लूँगा, ठीक है। एंड पर इसके अंदर डिस्नी प्लस होस्ट आपको मिलता है भाई, यहाँ पे उन्होंने मैंशन कर रखा है, ठीक है। साथ में आपको एक्सट्रीम प्ले के अंदर जो है 19 से 20 OTT ऐप मिल जाती है, उनको तो बस आपको जस्ट सब्सक्राइब हुई पहले से मिल जाएंगे, सिर्फ आपको कुछ ऐप ऐसी हैं जो इंस्टॉल करनी पड़ सकती है, अदरवाइज सारा कुछ प्ले हो रहा था मैंने यहाँ पे देखा है दोस्तों। रही बात दोस्तों स्पीड की, स्पीड भी काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है, बट सेटअप बॉक्स के अंदर जो सेटअप बॉक्स के थ्रू हम कुछ भी कंटेंट प्ले कर रहे हैं वहाँ पर थोड़ा सा ना ऐसा लगता है, फील होता है कि भाई अभी बिना परफॉर्मेंस डाउन है, जो मतलब सेटअप बॉक्स की परफॉर्मेंस है वो डाउन है, मतलब ऐप जब खुलती है इंस्टॉल होते हैं काफ़ी ज़्यादा टाइम लेती है भाई, ठीक है, तो वहाँ पे थोड़ा सा लैग फील होता है। बाकी स्पीड ठीक मिल रही है प्लान के अकॉर्डिंग, 30 MBPS की जगह भाई हमें ज़्यादा ही मिल रही है स्पीड, तो ठीक है। अभी मैं एक बार आपको यहाँ पे जस्ट स्पीड दोबारा से चेकआउट भी करा देता हूँ, ठीक है, अभी लैन से कनेक्टेड है हमारा डिवाइस दोस्तों, ठीक है। एक बार मैं यहाँ पे दोस्तों स्पीड चेक कर लेता हूँ कि हमें अभी स्पीड यहाँ पे दोस्तों फिलहाल क्या मिल रही है, तो ओखला के थ्रू मैं स्पीड चेक कर रहा हूँ, एंड थोड़ा सा मैं आपको बस ऐसे ही लाइव दिखा रहा हूँ दोस्तों, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा हिंट मिल जाए। अब यहाँ पे स्पीड एक बार हम चेकआउट जरूर कर लेते हैं कि अभी फ़िलहाल हमें स्पीड क्या मिल रही है, और इस डिवाइस के साथ दोस्तों मतलब कि राउटर के साथ सिर्फ मेरा फ़ोन कनेक्टेड है एंड मेरा डिवाइस कनेक्टेड है, फिर भी दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे को 3 से 4 दिन हो चुके हैं, ठीक है, और यहाँ पे मतलब कि 8 अगस्त को दोस्तों मैंने ये कनेक्शन ले लिया था, एक्टिव हो गया था, और अभी 500 MBPS की डाउनलोडिंग स्पीड आ रही है, और यहाँ पर दोस्तों जो अपलोडिंग है वो 800 प्लस जा रही है, मतलब स्पीड यार बहुत अच्छी मिल रही है मुझे, कोई दिक्कत नहीं है, मेरी वीडियो अच्छे से अपलोड हो जाती है, टाइम लगता ही नहीं भाई, ठीक है। तो भाई स्पीड के मामले में ठीक है, कोई इशू नहीं आने वाला, ठीक है।
बाकी दोस्तों चैनल्स का मैं देख के ना आपको डेडिकेट कौन कौन से चैनल वर्क कर रहे हैं कौन से चैनल नहीं कर रहे हैं ये भी मैं आपको कंप्लीट वीडियो दूंगा भाई, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है भाई, क्योंकि चैनल इसको कल्ले कल्ले को चला के देखना पड़ता है भाई, कौन सा प्लेयर है कौन सा नहीं प्लेयर है, फिर लिस्ट बनाऊंगा। तो आपको ज़रूर से डेली कुछ ना कुछ अपडेट मिलता रहेगा एयरटेल के इस 599 के प्लान को लेकर और फाइबर कनेक्शन की स्पीड को लेकर, राउटर्स को लेकर, सेटअप बॉक्स को लेकर। भाई आप बस स्टे ट्यून, आप दोस्तों चैनल के साथ स्टे ट्यून रहना, आपको हर वो अपडेट मिलेगा। कोई भी क्वेरी कोई भी क्वेश्चन आप डायरेक्ट मुझे भाई साहब कमेंट के जरिए पूछ सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वहाँ पर भी आप बात कर सकते हो दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।